15 चार 74 को बैसाखी के अवसर पर परम दयाल जी के प्रवचन राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी सहाय। सत्संग विसाखी का खत्म हुआ, रात को घर में था, सो गया, जुकाम है, सोचा पहले ये बता कि संतुष्ट को क्या मिला जो तुम दूसरों को देना चाहती हो, ये रात को ख्याल आया। मुझे
मुझे एक समझ मिली है, जिस समझ को मैंने सत्संग में अपने तजर्बे की बिना पर जाहिर किया। मेरे लफ्जों को एक अनजान से थोड़ी बुद्धि वाला भी है वो समझ सकता है, विद्या नहीं है, मुश्किल लफ्ज नहीं है। अब आज के शब्द में लिखा ज्ञान बताने दाता कहते हैं। अब मैं ये अपनी आत्मा से पूछता हूं, तुझको क्या ज्ञान मिला जो तू दूसरों को बताना चाहता है, ये एक सवाल है। आप सत्संगों की बलान चरणों की बदौलत से जब से मुझको ये यकीन हुआ है कि मैं किसी के अंत में नहीं जाता, जिनके अंत में मेरा रूप प्रकट होकर उनसे बातें करता, इनको दुआइयां बताती, ये राम शरण दास आया हुआ है पगड़ा, ये कहता है मैं किसी काम के लिए आपकी फोटो के सामने खड़ा हो गया, मैंने कहा बाबा मुझे ये दे, बाबा मुझे ये दे, तो कहता है बाबा उस फोटो में से निकला, ये कहता झूठ बोलता है कुछ ही होकर मरेगा, ये कहता बाबा फोटो में से निकला, ये डर गया, दरवाजा बंद किया, बाहर भाग गया, ये कहता। अब मैं जानता हूं कि ये बाबा कहीं नहीं गया, तो मुझे ये साबित हो गया कि जो कुछ भी मेरे मन के अंतर ख्यालात होते हैं, खाए वो किसी किस्म के हैं, दुनिया के हैं, काम के हैं, क्रोध के हैं, लोभ के हैं, मोह के हैं, प्रेम के हैं, भक्ति के हैं, वो क्या साबित हुए कि वो हमारे अपने ही मन का खेल है, अपने ही मन के संकल्प और ख्याल का नतीजा है। दरअसल में वो कुछ नहीं, सिर्फ अपने ही भ्रम में आकर के अपने ही ख्याल से वो चीज उसके सामने आती है। तो फिर मुझे क्या ज्ञान मिला कि इस दुनिया में मैं आया हूं, जो कुछ मैं देखता हूं सोचता हूं ये क्या है, माया है नहीं वास्तव। अच्छा फिर मैं सोचता हूं, अच्छा फिर अगर माया मैं समझ लू कि माया है, तुम अपने अंदर आप सोचो, जब तुमको मुझको अब जब यकीन हो जाता है कि ये सब माया है, तो फिर मैं कहां जाता हूं, मेरे अंदर कोई चीज है जो इन दृश्यों को देखती है, वो कहां जाती है, शब्द सुनती है, प्रकाश में। अगर शब्द सुनने से और प्रकाश के देखने से मैं इस माया के चक्कर में नहीं आया न आता हूं, तो तुम्हें मान लू कि शब्द और प्रकाश सुन, सिर्फ शब्द और प्रकाश सुनने से माया का झगड़ा खत्म हो गया। मैंने बड़े बड़े महात्मा देखे जो शब्द और प्रकाश को सुनते गिर जाते, क्या काम ही नहीं होते। मैंने बीने सुनी बसरे बगदाद में, सूर्य चांद सितारे देखे बसरे बगदाद में, अब बुढ़ापा है इतनी जिस्मानी ताकत नहीं है, उस वक्त बहुत कुछ देखा, इस मकान में अभ्यास करता था उसके ऊपर रजाई में बैठा हुआ, रजाई में से ऊपर की कड़ियों के रोशनी निकल सकता था, मगर क्या उस वक्त के बाद फिर मैं इस माया को सत मानकर काम नहीं होगा, औलाद नहीं पैदा की। ये एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूं, होगी।
वो ठीक है कि मैं बाहर से नहीं खाई, घर में तो गया, मैंने नाजायज पैसा नहीं कमाया, मगर क्या मेरे दिल में ये ख्वाहिश नहीं थी कि मेरी तरक्की हो जाए, मेरी आमदनी बढ़ जाए। आदमी मेरे काम करते थे, गलती खाते थे, उताता था, उनको डांट झपट देता था, क्या मुझ में क्रोध नहीं आया? तो केवल शब्द सुनने से और प्रकाश के देखने से न तो किसी का काम जाएगा, न क्रोध जाएगा, न लोभ जाएगा, न मोह जाएगा, न अहंकार जाएगा। मैं हूं रिसर्चर, रिसर्चर खोज खोजी। मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा, अच्छा भी नहीं गिरा। ये महात्मा जो गलियों पर आए, गुरु बनने के बाद ये अपनी औरतों के पास नहीं गए? ये सवाल है। गुस्से बाबा सामन सिंह जब सत्संगी तंग कर दे, छोटे से मार देते थे सत्संगियों को, क्या गुस्सा नहीं था? डेरे के बढ़ाने के लिए क्या इच्छा नहीं थी? देखो तुम मेरे गुरु भाई हो, वो कुबेरनाथ मेरा गुरु भाई है, मैं जो बात कहता हूं इसको अपनी अमली जिंदगी में खींच के लाओ। अच्छा, अगर जाहिरा तुम फर्ज करो तुमने औरत को त्याग कर दिया, अपनी आत्मा से पूछो, क्या सपने में तुम्हें कभी कोई औरत नहीं तुम्हारी आई? तो फिर वो ज्ञान क्या है जो सुखदाई है? अगर यही ज्ञान है फिर प्रकाश को देखो तो शब्द सुन लो, बहुत अच्छा आनंद मिलेगा तुमको, खुशी मिलेगी। मगर दुनिया की कैंजल से अगर तुम नहीं निकल सकते, निकल सकते हो तो मुझे बताओ। बड़े बड़े संत देखे, उनको गुस्सा आता था, औरतों के साथ राज पड़ते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। बड़े बड़े संत देखे हैं जिनके नाम रोशन थे, घर में औरत और खावन का ड्यूटी गुजार हुआ करता था। तो फिर वो ज्ञान क्या है जो महासुखदाई है? मुझे नहीं पता। दाता का क्या पढ़ो सही को, कहीं बैठ जाओ एक जगह। फिर शब्द का सुनना अकेला, प्रकाश को देखना तो सुखदाई ना हुआ? ये सवाल है। शब्द का साधन, प्रकाश का साधन सिर्फ सच्चे ज्ञान के हासिल करने का जरिया है। केवल शब्द को सुनने से और केवल प्रकाश को देखने से तुमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान को देने वाला कोई बाहर का गुरु होगा। मेरे गुरु आप लोग साबित हुए, दया तो दाता दयाल की है। देखो मैं कितनी आजादी से कहता हूं, मैंने दाता से बड़ा प्रेम किया, दाता समझा समझा के थक गए, मगर मुझे ज्ञान नहीं हुआ। मुझे ज्ञान बथेरियां पीने सुनी, मैंने शब्द सुने, जितनी शक्तियां बथेरी आई मेरी, तेरी शक्ल देखो वो फोटो लगी हुई है, वो जब मैं पीने सुनता था और शब्द सुनता था वो देखो मेरी शक्ल, मगर ज्ञान नहीं था। क्या ज्ञान नहीं था? सुख के देने वाला नहीं था, सुख का देने वाला नहीं था। मैं गृहस्थी हूं, बड़ा साल बसे बगदाद के बाद वापस आया, घर में गया, मैंने काम नहीं भोगा, भोगता था और फिर अफसोस भी करता था, अपने आप को ऐलान भी खेलता था,
सोच लो मैंने क्या कहा। घर का खर्च नहीं चलता था, दुखी महसूस होता था। घर का खर्च नहीं चलता था, दुख भी महसूस होता था। ये क्या मैं जो कुछ कह रहा इस वास्ते मैंने चूंकि प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा इसलिए कहता हूं। वो ज्ञान जिससे के मुझको सुख मिला वो ज्ञान ये है कि शब्द को सुनने और प्रकाश को सुनने के से मुझको आनंद मिला, खुशी मिली। ये ठीक है, क्योंकि मैं तलाश करता था उस मालिक की, अब उस चीज की तलाश करता रहता हूं जो चीज मेरे अंतर में रह के प्रकाश को देखती है और शब्द को सुनती है। शब्द को सुनने वाला कोई और है, शब्द और है, प्रकाश और है, प्रकाश को देखने वाला और है, मन और है, मन की खैरात का साक्षी और है या कि नहीं। तो फिर मुझे क्या पता लगा, वो जो चीज साक्षी है उसका अंत नहीं मुझे मिलता, वो क्या है। कभी होता है तो चिराग गोली पकड़ी, कभी दो तीन महीने का बाद सारे में फिर मैं सोचता हूं कि अगर मैं वो कुछ बन गया हूं तो फिर मैं क्या अपनी जिंदगी को सुखदाई बना सकता हूं। ये सवाल नहीं, सुखदाई सिर्फ इस ख्याल से मैं बनाता हूं कि मैं कौन हूं। मैं ये नहीं कहता मैं अलग हूं, मैं अगम हूं, मैं अनाम हूं, मैं कोई हूं, मैं कोई हूं, मैं एक चैतन्य का बुलबुला हूं। ये मेरा ख्याल है, वो एवोल्यूशन कुदरत के एवोल्यूशन के सिलसिले में मेरी एक ग्रंथि बन गई, मैं बन गई। कहीं वो मैं सुरत रूप में है, कहीं वो आत्मा रूप में है, कहीं वो मन रूप में है, कहीं वो चीजों के रूप में है, वो मैं बन गई। तो जिस किस्म की प्रकृति से, जिस किस्म के मादे से वो मेरी मैं बनी है, जिस शब्द से मेरी सुरत निकली, जिस प्रकाश में मेरी सुरत देखती है, जिस किस्म के प्रकाश को, जिस किस्म के ख्याल को मेरी वो मैं देखती है, जिस किस्म के जिस्म में आकर मैं महसूस करता हूं, वो क्या है। वो उस क्रिएटर करने वाले की इच्छा है, उसकी मौज है। तो जैसा जैसा किसी का जिस्म बना है वैसा वैसा वो काम करने के लिए मजबूर है, वैसा सोचने के लिए मजबूर है। जिसके दिमाग के अंदर मादा ही ऐसा आ गया है, जिसमें झूठ बोलने की आदत है, उसको गिरा ही ऐसा पड़ा हुआ है, कोई गुरु कोई महात्मा उसके उस झूठ को दूर नहीं कर सकता, वो झूठ बोलेगा। जिसमें काम ज्यादा है उसकी प्रकृति ऐसी है। तो इस समय से मुझे ये समझ में आया कि ये जो कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर ये किसी और ताकत के माता है। मुझे जो ज्ञान मिला, मैं कौन हूं, मैं तो हूं ही नहीं, वो उसने बनाया, मेरी मैं बन गई जैसी उसकी मर्जी। अब ये सब कर्म करता हुआ इस ज्ञान से मैं अपने कर्म के चक्कर में नहीं फंसता, कर्म करता हुआ अकर्मक हूं, रोटी खाता हुआ नहीं खा रहा, बोलता हुआ नहीं बोल रहा, मगर इस बात को समझेगा कौन, इस बात को समझेगा कौन बताओ। तो मैं मुझे जिस ज्ञान ने शांति दी वो ये है, एक मालिक है। इंसान का क्या दिमाग है, हर दिमाग है क्या, वो कहता है मैं खुदा हूं, मैं ब्रह्म, मैं सत्य हूं, मैं ये। वो जो सोचता है वो उसके बस में नहीं है, उसकी दिमाग की प्रकृति कुदरत ने ऐसी बनाई।
इस वास्ते मेरे नजदीक ना कोई बुरा है ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है ना कोई अच्छा है, या जो कुदरत का खेल है खेल चल रहा है, जो होने वाला हो रहा, मैं उस पागल का जगत कल्याण करूंगा जी, हाँ? वो मेरी मैं थी, जगत कल्याण करूंगा, जीवों को फंसा करके पढ़ूंगा, ये भी मेरी मैं थी। पूछता हूँ कितने कितने जीवों को तुमने तार दिया, कितने जीवों को तुमने तार दिया, ये सवाल क्या करता हूँ इंद्र, हाँ तुम मेरे गुरु भाई हो, कुबेर नाथ बैठा हूँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, जैसे गुरु के रूप को मानता हूँ वैसे तुमको मानता हूँ, जो मेरे प्रीतम को प्यार करे मुझे प्यारा लागे, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मगर मैं अपनी रहनी को बात करता रहता हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो ये जो कुछ हम लोग तुम लोग करते हो, मैं इसलिए पढ़ाया हूँ कि वी आर आर डेस्टिनी, हमारी कोशिशें, ये ही उस कानून के जरिए से है, जैसे जैसे किसी को ग्रह पड़े हुए हैं, जैसे जैसे उसकी प्रकृति बनी हुई है, वैसे वैसे वो काम करेगा, वक्त पर जब ग्रह मारा जाएगा गिर भी जाएगा ग्रह, जब से ये ज्ञान हुआ आप क्या मिल गया, इस बात का वहम नहीं करता, अच्छाई क्या है बुराई क्या है नेकी क्या है बदी क्या, हाँ ये तुम लोगों की दृष्टि से दाता के भी शब्द पढ़ देता हूँ, देखो मेरे भाई जरा संभल के रहना, दुख दोगे दुख मिलेगा, तो जिसकी प्रकृति में दुख देना है वो तो देगा, जिसकी प्रकृति में दुख लेना है वो तो लेगा, जिसके कर्म में आरोप से जूते खाने हैं वो खाएगी, जिसके कर्म में खामिन को आरोप से जूते खाने हैं वो खाएगी, जिसके लड़के ने मरना है वो मरेगा, जिसके लड़के ने उसको दुख देना है वो देगा, यहां आकर के मुझको शांति मिल गई, मैंने ऐसा समझा, शायद मैं गलती पर थी, मैंने बड़े बड़े संतों की हाल देखे, क्या दाता दास चाहते थे धाम उजड़ जाए, क्या साहब जी महाराज चाहते थे मेरा लड़का बदमाश हो जाए, बताओ अगर वो संत थे कुछ कर सकते होते तो अपने लड़कों को ठीक कर लेते, सोच लो संत का काम है जीव को पवसागर से पार छुपा देना, पवसागर है तुम्हारा मन, इस मन में जो हम चक्कर मारते रहते हैं, हाय ये हो जाए हाय ये हो जाए, अब ये रामदास आया हुआ है रामचरण दास, दो चार कृष्ण हो गए, अब ये मेरे नाम पर झगड़ा फुटाता है, बाबा तूने मुझे कार दे दी, बाबा तूने मुझे ये दे दिया, बाबा तूने मुझे चाबियां तू दिया, कौन पढ़ुआ बाबा जो तेरे पास गया तेरे लेने के लिए, ना मैं तो उस फोटो में ही निकला, ये सब तेरा अपना ही मन का खेल है, मैं जानता हूं मेरी इस साफ ज्ञानी से दुनिया नहीं चलती, दुनिया नहीं चलती, तेरे जैसे मुझे प्रभु को डस मिल जाए तो मैं तो बादशाह हो जाता, जो मेरे नाम का इस तरह चुनाव बताते हैं बाबे ने यह कर दिया, बाबू मैं जितना मर्जी चाहे मैं रुपया कमाता दौलत कमाता जो मर्जी खा जाता, अगर मैं ये काम किया है जो कर रहा हूं ये मेरे बस में नहीं है, मेरे ग्रह ऐसे हैं, एक ज्योतिषी ने मुझे बताया था खंड गिदड़ बैठा, उनका बाबा जी आठ ग्रह तुम्हारे ऐसे हैं जो इस वक्त नौवें घर में है, बृहस्पति दसवें घर पिछली उम्र में बकरी नौवें घर, आप कोई ऐसा काम करेंगे जो आज दुनिया में किसी ने नहीं किया, ये उसने कहा क्या काम करोगे, मेरा दिमाग नहीं काम करता मैं नहीं समझता, मगर एक विलक्षण ग्रह पड़े हुए, अब अगर मैंने जो कुछ किया है अगर मैं ये कहूं कि मैंने किया है तो क्या मैं हाथ रखता हूं, इस बार डेस्टिनी कुदरत ने मेरा दिमाग ही ऐसा बनाया है तो किस बात का अहंकार करूं कि मैंने किया था, सोचो मेरी बात, मैंने ये ज्ञान समझा, क्या ज्ञान, एक ताकत है एक परम तत्व है, किसी ने उसका अंत नहीं पाया, न दाता दयाल ने न राम ने न कृष्ण ने न स्वामी जी ने न कबीर, सब कह गए कोई है रूप कह गया, दाता दयाल ने सब रोज पढ़ा करते हैं नमो
पहला शब्द पढ़ा करके वो मंगलम अशब मंगलम शब्द को पढ़े क्या सोचे सात तो वो लिखते हैं कि उसका भेद किसी ने नहीं पाया और फिर वो कहते हैं कि संत रूप धारण करके जीव को उसने सुरपद पुजा लिया। फिर सुरपद क्या हुआ मुझे नहीं पता दाता दयाल का सुरपद क्या है। सुरपद ये ज्ञान है कि एक मालिक है बेअंत हम उसमें एक चैतन्य के बुद्ध जैसी जैसी कुदरत ने जिसम बनाया है प्रकृति उसके मुताबिक हर एक जीव खेलता है। सांप अपना काम करता है बिच्छू अपना काम करता है भगत अपना काम करता है सितारे अपना काम करते हैं सूर्य अपना ये सब जी का खेल है। जब ये ज्ञान हो जाता है फिर ये तो सबकी जी का खेल है। फिर जो कुछ जगत में हो रहा है उसका जो अच्छा या बुरा असर है उसको ये ऐसा ज्ञान रखने वाला अपने ऊपर दिमाग पर कबूल नहीं करता और दुख और सुख से बच जाता है। बस ये है मेरी समझ में जो आया कि तुरपद क्या है। इस ज्ञान का आग्रह कर लेना कि एक परम तत्व है हम सब कुछ बुलबुले हैं उसी में से निकले हैं उसी में समा जाएंगे उसकी इच्छा है जो हो रहा है ठीक हो रहा है। कोई मर गया ता फिक्र नहीं जम गया कोई ता फिक्र नहीं दवाई आ गई ता हाय है नहीं या कुछ है जो कुछ भी है सब एक मैं ये ज्ञान समझता हूँ आनंद राव मुझे नहीं पता मैंने जो समझा है यही ठीक है। दाता दयाल तो है नहीं जिनसे आप पूछू जो बड़े बड़े महात्मा है इनसे कोई बात करता हूं ये अपनी रहनी तो कोई बताता नहीं अपनी रहनी तो कोई बताता नहीं कि उसके मन में क्या कुछ होता रहता है और जो कुछ होता रहता है सब उसको गोप मयम रखते हैं छुपा छुपा के रखते हैं कि नहीं रखते कोई संत बताता अपनी रहनी को कोई बताता नहीं कोई बताता सब किताबी इलम बताते हैं किताब फलाना ये कह गया मैं वो नहीं कहता ना मैं कहता हूँ फलाना ये कह मैं तो कहता हूँ मेरी समझ में ये बात आई है और मैं दाता का आज गुण करता हूँ और अब वो दाता तो है नहीं जिनकी सेवा करूँ तुम लोगों को तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ ढंग से भी करता हूँ जो आप लोग देते हैं पब्लिक की सेवा करता हूँ और जो ज्ञान मुझको मिला वो आपको बताता हूँ मेरी समझ में ये बात आया तो आज शब्द निकला था पढ़ो मैं आया हूँ मैं आया हूँ ज्ञान बताने ज्ञान महा है सुखदाई ज्ञान सहज सहज का साधन सहज में कैसे कठिनाई अभ्यास करते करते मुक्त गुजर गई मेरी
तुम लोग ये अभ्यास करते हो उसमें तो दिक्कत है, थोड़ा अभ्यास हो अनुभव हो जाए अंत, अगर सत्संग मिल जाए फिर ज्यादा अभ्यास की भी कोई जरूरत नहीं। फिर अब मेरा अभ्यास क्या है, और निचले दर्जे ने सब छूट गए मेरे न, सब खत्म हो गए, बस वो आखिरी जो मंदिर है अपने आप को वहां ठहराता हूं या इस अनुभव में मत रहता हूं, और क्या आगे बात बात में खेल खेल में ये तो दादा को पता होगा, बात बात में इन्होंने कैसे किसी को तत्व समझाया, खेल खेल में कैसे उन्होंने किसी को समझाया मुझे पता नहीं। मैं अपनी जिंदगी का तजर्बा साफ करके बता देता हूं, जो दुनिया के ख्वाहिशमंद नहीं है वो मेरी बात को समझ जाते हैं कि बात यह है, आया वो ठहर सकते हैं या नहीं ये उनकी प्रकृति के मुताबिक है, जिसके कर्म में ठहरना है वो ठहरेगा, जिसके कर्म में ठहरना नहीं वो नहीं ठहरेगा। नहीं समझ में आती है आगे एक बात का समाधान करो क्या, तो सच्चाई का पटाओ, ये न पटाओ कि मैं तुम्हारी फोटो के अंदर मैं प्रकट हुआ, ये मुझ जुर्म है। लोग बैठ जाओ, जो इन बातों को सुनकर लोग पागल हो गए, ये धोखा मेरा प्रोपेगंडा मैं अपना आप करता हूं, तुम्हारे तुम लोगों का मोहताज नहीं हूं, मैं अपना प्रोपेगंडा आप करता हूं, आप लोगों का मोहताज नहीं हूं ना। मेरा प्रोपेगंडा यही है कि ए इंसान तू एक मालिक है, उसकी एक अंश है, दुनिया में आया हुआ है, जब तुम जिंदगी है रहो खुश रहो, किसी का भला कर, किसी के साथ नेकी कर, अगर कुछ कर सकता है तो अपनी जिंदगी को खुशी से गुजार और चलता बन, ये मैं कहता हूं, ये मेरा प्रोपेगंडा है। बाकी ये जो प्रोपेगंडा कर दिया बाबा फ्रेंड का दिया, उसने उसको प्रसाद दिया, उसके बच्चा हो गया, उसके ये हो गया, ये सब पाखंड का जाल है। मैं तुमको बोला पढ़ू चिट्ठी मेरे पास एक औरत की आई, बाबा 10 साल की औलाद नहीं थी, मैं गया अगर मैं धाम में आया इस बार में गया तो आपको कहा अभी मेरी औरत को बच्चा नहीं हुआ, माँवारी भी नहीं आती, तो आपने कहा हो जाएगी, मैं भी चिंता करता। अच्छा अब वो और चिट्ठी थी मेरी औरत को, मैं सुपने में प्रकट हुआ, उसको बच्चा दिया, उसके बाद उसको माँवारी भी आ गया, वो गर्भवती है। अब उसने मुझको लिखा, मैं अपनी आत्मा को पूछने के लिए हक नहीं रखता कि मैं गया था उसको बताने के लिए, मैं नहीं गया, आप रह गए इस गुरुवाई को, मैं नहीं करवा करता, जिसका जी चाहे मेरे पास आए, जिसका जी चाहे मेरे पास ना आए, ये करता है चार पैसे दे जाओ मंदिर में, नहीं करता तो जाओ गोल। 4 दिन की जिंदगी है, जब मैं नहीं जाता कैसे दुनिया को कहूं मैंने मरना नहीं है, तुमने तो कह दिया बोलते तस्वीर से बाबा ने गिरा, मैं डर गया, दरवाजा छोड़कर भाग गया। अब जब तुम ऐसी बात कहोगे लोग ये सुनेंगे, वो कहेंगे हमारी बाबे में क्या चीज है, वो मेरे पास दौड़े हुए आएंगे, इसका मतलब है तो तुम लोगों को उकसा करके पागल बना रहे हो। ये मैं आता प्रभुगंडा नहीं चाहता, जो जिन लोगों का काम है वो करें, मैं तो आया इसीलिए हूं, मैं तो कभी कभी महात्मा ने ऐसी बात कही है, कहा तो साकरता ने भी ऐसा ही है, किसने साफ रख लो कहता मैं आया हूं ज्ञान बताने, ज्ञान महा सुख दाई, जो उनका क्या ज्ञान था वो मुझे पता नहीं, जो ज्ञान उनकी दया से मैंने हासिल किया वो मैं बता रहा हूं, मुझे ज्ञान देने के लिए ये काम किया था, जब मुझको तराश थी मैं कहता था मुझे आखिरी कह बता दो, वो लिखा हुआ है गुरु वो है अपना रूप दिखाओ, ये रूप मुझे तारा लागे इसी जवाब को दर्शाओ, तो अगर वो समझ नहीं आती तंग करता था उनको, कहा अच्छा सवेरे आओ दिखा दूंगा, नारियल 5 पैसे मेरी गोद में डाल के मुझे बता दे, कहा सत्संग कराया तुमको
वो खंड खाने वाले सत्संगियों के रूप में सत्संग हो गया, वो मिल गया। मैं तो आप लोगों को अपना रघुवीर समझता हूँ, मैं आप लोगों को अपना सच्चा सद्गुरु इस उम्र में समझता हूँ। दादा जाल तो है नहीं जिनकी मैं सेवा करूं। हाँ, इस बयान से स्त्री के मेरा सर जो बयान है डेरा नहीं बन सकता, इसको मैं मानता हूं। मगर मैं ऐसा डेरा बनाना चाहता हूं जो आजाद करने का डेरा हो, बाकी जितने डेरे हैं ये सब फंसाने के हैं, ये सब तुमको फंसाते हैं। मेरा डेरा आजाद करने का। अब ये बलबीर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूं इसकी बात समझ में आ जाए, मगर आएगी कैसे, वक्त लगेगा। जब तक इंसान का मानसिक और शारीरिक ब्रह्म शरीर ठीक नहीं है, वो लाख सिर पटक के मर जाए, उसको ये ज्ञान नहीं हो सकता, ये मेरा ख्याल है। और कल शास्त्रों के मुताबिक प्रिंसिपल राम ने भी यही बात कही कि जब तक किसी का मानसिक और शारीरिक ब्रह्म शरीर ठीक नहीं है, वो इस ज्ञान को हासिल नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मानसिक शरीर ब्रह्मचर्य ये कुदरती बात है, स्त्री तक रखते हैं। दुनिया की आशाएं ये भी काम है, काम काम सब कोई करे काम न चीने को, ये थी मन की कल्पना काम का आवेश हो। आज मैं इतनी चबड़ चबड़ बातें करता हूं, मैं जानता हूं अपनी कमजोरियों को। अगर आज मेरी माली हालत ठीक न होती तो ये जो कुछ मैं जिस बेखौफी से बात कह रहा हूं सब खुल रहा हुआ कहना दुनिया को और बात है, अमल में लाना एक और चीज है। जिंदगी की जरूरतें इंसान को मजबूर कर देती हैं, ये कटनी वालों का फैरा करे, दुर्गादार का फैरा करे, लड़के का माल उसकी उम्र करे, वो चार पैसे भेज देती हूं, उससे मेरे घर का खर्च चलता है। अगर वो ना होता होता फिर मैं इस अवस्था में रहता तो मैं समझता कि हाँ तुम की चलता, मैं समझता हूं मैं गिर जाता, मैं समझता हूं मैं गिर जाता। इसलिए मेरी तालीम यह है, सबसे पहले अपनी रोटी की कमाई करो, बस तुम गृहस्थी हो, प्रावधंधा रोजी प्रावधंधा दिल, जिसकी रोजी का ठिकाना नहीं उसका दिल ठिकाना है। कहना है अब हमारे सेठ दुर्गादास है, इनको कोई पैसे की कोई फिक्र नहीं, इस वास्ते इनके दिमाग में शांति है। मगर जब बीमारी आ गई इन्हीं से पूछता हूं, फिर से पूछो दबाव जमीन पागल है, जब उसको तकलीफ होती है क्या इनका दिल नहीं तोड़ता? ये तो ये दुर्गादास जाने, मुझे नहीं पता। ये दुनिया है, अमरी जिंदगी कुछ और है। मैं तुमको बोला कि आज मैं सुखी हूं, सुख की बात सिर्फ ये है खाने को रोटी मिलती है, लड़का 2500 रुपए तक पहुंच गया, लड़की बीवी हो गया औरत हो गई, मुझे कोई चिंता नहीं। लड़की नींद पा गया उसकी सेवा के लिए, गोपाल दास की औरत उसके बच्चे उसकी सेवा करते हैं, है या कि नहीं? अगर मुझे ही सेवा उसकी करनी पड़ती और पैसा ना होता तो तुम बताओ मेरा सारा ज्ञान ज्ञान जहां से निकला वहां बड़ा हुआ होता। बात जो कुछ मैं तुम लोगों को कह रहा हूं बिल्कुल सच्ची और कोई झूठ इसमें नहीं है, कोई झूठ नहीं। हम लोगों को उपदेश करना जानते हैं अपनी, इसलिए सबसे पहले जरूरी पहली बात तो यह है कि जो कर्म में लिखा हो ना मैं तो यहां पहुंचा हूं। अगर यहां तक तुम नहीं ठहर सकते तो यत्न करो, रोटी की कमाई का यत्न करो, जितना मिलता उसमें गुजारा करने की कोशिश करो, जितना मिलता है उसमें अपनी जिंदगी की जरूरियात को पूरा करो, लोग लाद में मत आओ, शादी के घरों में बेफायदा खर्च मत करो। ये है तरीके जो मैं आमतौर पर दुनियादारों को इस प्रकार के सत्संग में या अपने सत्संग में बताता रहता हूं। तो आज सत्संग था अपनी आत्मा है तो मुझे ये मेरे ही लिए शब्द निकला। मैं ये कहा था अपने भाई जो मौत से निकलता है कह दो, तो मैं सोचता हूं मैं मुझे क्या ज्ञान मिला,
मुझे भी इस ज्ञान से शांति हुई। अब मैं भगत हूँ, शरणागत हूँ, वो दादा की सपोर्ट होता रहता हूँ, वो मेरा राखा रहता है, रोटी का भी बंदोबस्त करता है, सेहत का भी बंदोबस्त करता है, खिदमत का भी बंदोबस्त करता है। अब राखी भाई ने मुझे उम्मीद नहीं की, मैंने तो 40,000 रुपया पिछली कमाई से राखी जहाँ खर्च किया, कुदरत आठ लोगों के पैसे रुपया 4-5,000 आ गया। अब उससे वो जो बैंक से निकाला वो हम नहीं निकालेंगे, जो कुछ आया उसी में बैसाखी में खर्च हो जाएगा। बात आपको मैं सच कहता हूं, सच्ची बात। तो तुम लोग आए हो, मैंने जो ज्ञान बताया तो बता दिया, आप ये नहीं कर सकते, आपके लिए यहां ठहरना मुश्किल है, दुनियादार दुनिया चाहते हैं। इसलिए एक मालिक का सहारा पकड़ो, ज्ञान को छोड़ दो, सिर्फ भक्ति मार्ग दो, अपने आप को अपने इष्ट के फूल करो। मैं नहीं कहता तुम मेरे से फूल करो, मैं तो कहीं जाता ही नहीं, न मुझे पता न मैं जानता, जहां तुम्हारा विश्वास बैठता वहां बैठ, चलते फिरते उठते बैठते उसका सहारा। अगर मेरा रूप समझते हो तो ये भूल जाओ, वो जो रूप तुम याद करते हो कीर्तन गलपन मत राम का रूप है। अगर बेवकूफ हो उसको कीर्तन समझते रहोगे कुछ नहीं मिलेगा तुमको, सब तुम भूल गए हो। मैं तुमको धोखा नहीं देना चाहता बिल्कुल। तो आज शब्द निकला तो पढ़ो क्या है, मैं आया हूँ, मैं आपको ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, अपनी रोटी काम करो दुनिया में, बस सबसे बड़ा ज्ञान ये है। दूसरा, बेकार मत रहो, बस एक बता देता हूं, कभी वेले मत रहो। जो आदमी वेला रहता है उसका दिमाग ठीक नहीं रहता, काम करते रहो, अपना नहीं दूसरों का काम करते रहो, काम करने में भलाई है, दाता यही सौगीला करते। काम करना ही दर असल में इस दुनिया में, निष्काम कर्म करना ही इस दुनिया में सच्ची भक्ति और सच्चा अभ्यास है। ये तो मैं तेरा अब दाता दादा बातें सुनाता हूं, मेरे पिताजी घर में थे, बूढ़े हो गए तो हम तो मत भी आदमी थे, दादा जान सुना मैंने हाथ बन मरा, मेरे पिताजी बूढ़े हैं, अब उनका अंत समाया हुआ है, ऐसी कोई युक्ति बताओ जिससे उनका ये जन्म संवर जाए, अच्छी गति को प्राप्त हो जाए। आपने आंख बंद कर ली, कुर्सी पर बैठी हुई, वो सीनरी मेरे सामने आती है, बात सुना मैं जो मकान के सामने चुका रहा, 5 मिनट के बाद आप खोली कहते हैं, अच्छा मत्सराम को लिख दो मेरी तरफ से, राजा को कहो जब तक दम ना निकल जाए जो कुछ कर सकती हो करते रहो। सच कहता हूं तो तुम मानोगे नहीं, दीवानों कोई मुक्ति और कोई वहम कोई आवागमन नहीं है, उनके लिए आवागमन है जिनको ज्ञान नहीं है या जो इस दुनिया में चक्कर लगाते हैं। कैसी मुक्ति, कैसा बंधन, मन की कल्पना है, तो जब तक ये ज्ञान मन की कल्पना खत्म नहीं होती जब तक आवागमन का चक्कर पड़ता है, कोई मुक्ति शक्ति कोई आवागमन नहीं। बुलबुला बनता उसी में समा जाता, क्योंकि बन गया बुलबुला उसमें मैं आ गई, और जब तक उसकी मैं अब नहीं मरेगी तो जिस किस्म की उसकी मैं के जज्बात होंगे उस किस्म की दुनिया लेता रहेगा। अगर ये मैं खत्म हो जाए समझ में आ जाए ना उसके लिए मुक्ति कैसा मुक्ति कैसी बन, मगर ये इतना सूक्ष्म विषय है हर एक आदमी के दिमाग में आ नहीं सकता। आप समझते मेरी बात सुनी, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इस बात से काम क्या था? ये ज्ञान आगे बात बात में तत सुधारो, खेल खेल में दर साधो, हंसी हंसी में सार रखा दो, सुख के
माता जाय ने कहा है कि मेरी वाणी रोचक है, मेरी वाणी रोचक नहीं ना भयानक है, मेरी वाणी यथार्थ। रोचक और भयानक वाणी से लोग आकर्षण हो सकते हैं। मैं बात यथार्थ कहता हूँ। मैं ये चुटकी बजा के दो सत्संगों में खेल खेल में तुमको सत्संग करा के राज साहब को बता दिया। बस ये दाता ने अपने कलाम में आप माना वाणी मेरी भयानक नहीं है, रोचक है। मेरी वाणी ना रोचक है और ना भयानक है, ये बिल्कुल यथार्थ है। मगर यथार्थ बात को हर एक आदमी नहीं समझ सकता। बच्चे हैं, बच्चा है, तुमने भी शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, अब नौजवान तुम तजर्बे में तुम दुखी हो, सतकुलियां जमालियां रोंदे हो फिरते हो, उन जो अपनी जवान मुंडिया ने को ब्याह ना कराई है तो यथार्थ सुनेगा तुम्हारी गल, वो नहीं सुनेगा ना। जब तक उसको तजर्बे से तुम नहीं गुजारोगे, इस वास्ते रोचक और भयानक की मैं खंडन नहीं करता। रोचक और भयानक का मैं खंडन नहीं करता, ये नहीं कि वो गलत है, मेरा असूल ये नहीं है। क्यों मैंने यथार्थ बना लिया? रोचक और भयानक वाणी में लोग फंस जाते हैं। जब वो रोचक और भयानक बात किसी वक्त पूरी नहीं होती, उनका अपने गुरु पर अभाव आ जाता है। समझते मेरे बात को? इसे तुम हो, तुम्हारा कोई काम ना हुआ, तुमने कहा बाबा के पास गए थे, इतना रुपया दिया था, इतनी उसकी सेवा की थी, ये किया था, बाबे ने हमारा काम नहीं किया। ये मैंने केस देखे हैं। बाबा सावन सिंह पर चरेट का एक कैप्टन था, उसने दावा कर दिया था अदालत में, अखबारों में निकला था, वो गया, उन्हें कहा जी मुझे राम मिला दो, उन्हें कहा हाँ मिला देंगे। उसके पास 10,000 रुपया था, ले जाकर के उसने दे देंगे, आप उनका ड्राइवर बन गया, 10 साल ड्राइवरी की, ना शब्द खुला ना प्रकाश खुला। उसको गुस्सा आया, वो बड़ा प्रेमी था, क्योंकि कई आदमी टीवी से राजी हो गए, कुबेरनाथ बैठा हुआ है लगातार टीवी से राजी किया, अच्छा उसके भाई को टीवी हो वो ले गया सामने। दादा ने कहा रोचक की बात की मैं बता रहा हूं, दादा ने कहा ठीक हो जाएगा, मगर वो ठीक नहीं हुआ, मर गया। वो जब तानने जाता, जिसने आप ये दही ले आया, कोई ये अपना ट्रैक्टर ले आए, नहीं समझ में आया, किसी ने सरदार ने कार दे दी, सारा सेवा की ना, ऐसे वो सेवा किया करता था, शक्कर ले गया, ये ले गया, वो ले गया, वो ले गया। अब जब भाई उसका मर गया, उसको गुस्सा आया, उन्हें वो बदनाम दाता दया जो किया जिसका कोई हिसाब नहीं। उसके 3-4 महीने के बाद दाता दया चोरा छूट गया। इन तजर्बों को देख करके मैंने रोचक और भयानक बातें नहीं कही, इन तजर्बों को देख करके मैंने रोचक और भयानक बातें नहीं कही ना। बात सच्ची कह देता हूं, ऐ इंसान कुछ को जो कुछ मिलता है तेरे कर्म का फल मिलता है, बात मैं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं। अब मुझे काहे का सोचता, तुमने जो कोई सेवा कर दी उसका कहां लेता, मुझे तो यही लेता, जो देता उसको मिलता है। कम से कम मैंने ये दोस्त ले गए अपने, अच्छा वो कैप्टन मेरे पास आया गुबार का साथ है, जिनको जिज्ञान की बीमारी है, जिनको जवाब तीस है, या जिनके मन गंदे हैं, पामा वकील जन की बजाय वकील जन का को गुरु को गुरु गुरुओं का गुरु गुरुओं का गुरु उसके पास चलेगा, तुमको प्रकाश और शब्द खुल लेगा। बात साफ कर दे, कोई पर्दे की बात बिल्कुल सच्ची बात। आप कभी चाहे आओ, इस वास्ते मैं कहता हूं अपने मानसिक और शरीर ब्रह्मचर्यों को काबू करो, बिल्कुल साफ बात।
जितने तुम्हारे दुखड़े हैं ये सब तुम्हारे मानसिक और शरीर ब्रह्मचर्य की गिरावट का नतीजा है। मैंने बड़े बड़े भगत देखे, ऊपर से भगत हैं, अंदर से 10 नंबर के धोखे पास, अंतर में उनके कुछ है, बाहर में कुछ। इसलिए मैंने बात को साफ कर दिया, अब मुझे कोई अफसोस नहीं। तुम दे जा तो मैं ले लेता हूं, मंदिर में खर्च करता हूँ, एक दो आदमी मेरी पर्सनल सेवा करते हैं, दुर्गा आशा करने वाले हैं, ओम प्रकाश है, मुझे कोई पाप है? कोई पाप नहीं। इनका एहसान मानता हूँ, मैं दुखिया हूँ क्योंकि मेरी आमदनी का कोई जरिया नहीं। लड़का तो सिर्फ 200 रुपया देता है, कहता अगर ज्यादा देने पिताजी तो मेरे पास आ जाओ। अब मैं अगर उसके पास चला जाऊँ कैसे चला जाऊंगा? एक दूसरे सुन तो है, लड़की मेरी नीम पागल है, कपड़े गंदे रखती है, वो बड़ा अफसर है, वहाँ बड़े बड़े आदमी आते हैं, जब वो आएंगे आगे वो लड़की की रोटी में देखेंगे। मैंने इस दुख के मारे हुए उसको कहा कि लड़की को यहाँ पहन ले गया था वो अपनी बहन को, मैंने कहा यहाँ ले गया, चल जब तक मैं हूँ गुजारा करूंगा पीछे देखा जाएगा। मैं अब तो मरूंगा नहीं, मूलचंद को बोल देना अगर मैं मर भी गया जो मदद तुम कर सकना उसकी सूरतों के पीछे से करते रहना, भाई के पास तो रहेगी नहीं, या रिटायर होकर आ जाए यहां तब है, अभी 10-15 साल में सलाह कर लूंगा। तो मेरे कहने का सारा भाव यह है कि ज्ञान क्या बता रहा हूं आपको, ऊंचे से ऊंचा ज्ञान बता दिया, छोटे से छोटा ज्ञान बता दिया। घरों में रहो, शांति रखो, बस एक बात बता दो, काम के अंग को रोकने की कोशिश करो। ये काम महा जालिम है, बहुत जालिम है, बड़े बड़े को खराब कर देता। मैं तुमको एक बात बताऊं, यहां आया संत कृपाल सिंह, वहां उसकी 5 साल से गई थी, तो उसके साथ बात हुई, मैंने कहा कृपाल सिंह उम्र गुजर गई संत बनने में, 26-27 साल औरत के रहते हुए मैंने अपने आप को काबू किया। उसके मर जाने के बाद 1.5 साल के बाद मेरी बीवी वहां मेरे सपने में आई, वो कहती है तूने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया, मुझको छोड़ रखा। मैंने कहा सपने में अपनी औरत के साथ भूल किया, ये क्यों हुआ? मैं नहीं समझ सकता, मैंने कृपा से उसे यह सुना। कृपा से उसे बोला नहीं, उसका चेला था डॉक्टर, वो कहता जी संत में ये बात नहीं होनी चाहिए, साधु में ये बात नहीं होनी चाहिए। मुझको गुस्सा आया, मैं क्या सबूत देती हूँ? अच्छा मौलाना रूम की इसने छुपाई पढ़ के सुनाई फारसी की, मैं क्या मौलाना रूम का गुरु कौन था? समस्त भेद जो इतना, मैं क्या उसने से पूछे मैंने व्याह कराया कनीज दी नौकराई ना शादी कर दी थी जिसके मरना रूम ने, मैं क्या फिर मरना रूम का लड़का उस औरत से आशिक हो गया? मौलाना राम के गुरु और मौलाना राम के लड़के तू अभी आपस में रकाबत हो गई, दुश्मनी हो गई। मौलाना रूम ने लड़के ने समस्त विरोध सिर बढ़ देता। ये सब गलत है, संत नाम है ज्ञान का या इष्ट का, जो भी शरीरधारी है, मैं हूं, दाता दयाल है, स्वामी जी है, कबीर है, नानक है, सब है। क्या क्या किसी के अंदर ख्याल उठते हैं ये लोगों को बताते नहीं, हम रोकदारी पर आगे बकरे फल बन जाते हैं, दाढ़ी बनाकर हम लोगों को ठगते फिरते हैं। जो भी इंसान है उसमें नुक्स के बगैर कोई भी बड़ी नहीं, और स्वामी जी ने साफ लिख दिया जब सुर गावे देह में जीव रूप रे मान, जब सुर सुर दे गगन में हंस रूप बहता। जो भी शरीरधारी आया जिस किस्म की उसकी प्रकृति कुदरत ने बनाई है, जैसे जैसे उसको ग्रह पड़े हुए हैं वैसा वैसा वो कर्म करने के लिए मजबूर है, उसके बस की कोई बात नहीं।
मैं ही समझ में नहीं आया। जिसके भाग में होता है वही सिर्फ दाता है, वही नेक बनता है। जिसके भाग में नहीं आया मैं अपना कितना कहीं जोर ला रहा, किसी से कुछ नहीं बनता। सच्ची बात तो हम बता देती है। तो आज मैं आप सत्संग खत्म करता हूँ, ज्ञान बताने आऊँ, ज्ञान बता चला दुनिया तेरा ऐसा ये मेरा बचपन का मित्र थे, मेरे से मैं ड्यूटी थी, मैंने इसको कहा था दुनिया मेरे से कोई गुरु को कर्जा है बगैर पैसे के काम नहीं चलता, लाइब्रेरी खोल दो दाता का स्टैटस था, कुछ ये भी ख्याल था कि मेरे घर में जाएगा बेइज्जती होगी। इसने काम किया, इसने अपनी फर्म से 22,000 रुपया दिया, इससे कहा अब भी ये सेवा करता रहता है, रेगुलरली 30 रुपये महीना मंदिर को देता है, 40 मिलियन देता है। तो ये तेरा काम था दाता ने काम कर दिया। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ दुर्गा दास तुमको कोई तकलीफ ना, मुझे मरने का तो कोई अफसोस नहीं पर आदमी को तकलीफ ना हो, मरना क्या है मैं भी खा चुका हूँ, ये तुमको शायद तकलीफ ना होती तेरे अपने ख्याल करने से क्या, जब ये बीमारी नहीं रुका करता बाबा जी अब मेरा कोई काम नहीं है, अब मैं चला जाऊँ तो अच्छा है चला जाओ, वो जो तेरा ही ख्याल था उसी ने तुमको बीमारी लाया, बात अच्छी रहता जैसा ख्याल वैसा है। ये अच्छा था ना मेरे पास आया था, कहता बाबा जी मेरा काम तो कोई नहीं होता सी आगे चला जाऊंगा चंगा, क्योंकि ये चाहता था बीमारी आ गई हाथ लगे तुमको हमको जो कुछ मिलता है हमारे ये ख्याल कर दीजा, कुछ नहीं मिला जैसा सोचोगे वैसा, इस बात ही मारा ख्याल मत रखा, बुरा ख्याल नहीं रखना बस, मगर ये भी अपने बस में नहीं है बस, मैं तो यहाँ पहुंचा आज।